हेलो, तो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। आज बहुत ही स्पेशल ओकेजन है। स्पेशल ओकेजन इसलिए है कि क्योंकि मेरे बेटे की बर्थडे थी 1 अक्टूबर को, बट समहाउ वो लेट हो गई, क्योंकि एक रीज़न थी जिसकी वजह से वो लेट हो गई। तो मैंने आज प्लान किया बर्थडे का भी, और कल मैंने एक ऑर्डर दिया बहुत ही खूबसूरत एक कस्टमाइज केक का, और वो पिक करने चलते हैं, और आप लोग मेरे साथ रहिएगा क्योंकि मुझे एक दो काम है डिफेंस में, और उसके बाद फैल्कन मैंने ऑप्शन से एक्चुअली ये केक ऑर्डर किया है, और वो पिक करने चलते हैं। तो आप लोग रहिएगा मेरे साथ। और ये जो मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ, आप कह लेंगे ये अगर आप देखें मेरे राइट साइड पे, तो ये राइट साइड पे है जुबली टाउन। ये जुबली टाउन के बिल्कुल ऑपोजिट है ट्राइकॉन के बिल्कुल साथ। सो वहाँ पे मैं रहता हूँ। और अच्छा जी, बहुत से लोग इस चीज़ को मिस करते हैं, और हमारे पाकिस्तान की ये जान है शकरकंदी, क्योंकि शकरकंदी के बहुत से फ़ायदे हैं, और इस मौसम में स्पेशली सर्दी में हमारे मुल्क की ये पहचान है। और ये मोस्टली फिलीपींस, चाइना में जो लाइक चाइनीज़ आते हैं, मोस्टली पाकिस्तान और स्पेशली पाकिस्तानी जो बाहर हैं, उनको पता है कि ये क्या चीज़ है, और वो बहुत मिस करते हैं इस चीज़ को। ये तो ये बड़ी ब्लेसिंग है हमारे मुल्क में। तो हम आए, हम टेस्ट करते हैं, लेकिन दे अच्छी गर्म होनी चाहिए। पैसे तो दे दें, कोई बात नहीं, पैसे तो हम लोग हो जाते हैं, हमें पाकिस्तानी कोई बात नहीं। बना दे भाई, साफ 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 सी बना दे भाई। हाँ ये तो है। कच्ची तो नहीं है अंदर से? ये कच्ची कच्ची लग रही, ठंडी। अब यही ताकू खा रहे हैं। गंदी चलने के बाद मैंने ये सोचा कि मैं आपसे शेयर करता हूँ स्टोरी, क्योंकि मैं अभी ड्राइव भी कर रहा हूँ, और आपको पता है पाकिस्तान में ड्राइविंग करते भी व्लॉग बन जाता है। सो मेरी एक्चुअली व्लॉगिंग की स्टोरी ये थी कि लाइक मुझे बहुत से दोस्तों ने, बहुत से ऐसे मेरे लाइक चाइल्डहुड फ्रेंड्स, जिन्होंने मुझे कहा कि यार नहीं नहीं ये पाकिस्तान में तो क्या दिखाने के लिए, तो क्या दिखाएगा यार, तो व्लॉगिंग में क्या करेगा। तो मैंने ये सोचा कि यार बाहर के मुल्कों में तो लोग ब्लॉगिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं, बड़ी डाइवर्सिटी होती है बाहर के मुल्कों में भी, लेकिन अपना भी मुल्क बहुत वर्सटाइल है, और अपने भी मुल्क में बहुत कुछ है दिखाने के लिए। हमारे मुल्क में बहुत से ऐसे स्ट्रीट फूड्स हैं, हमारे मुल्क में बहुत से ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं, और हमारा मुल्क जितना खूबसूरत है, मेरा नहीं ख्याल कोई बाहर का भी मुल्क होगा। तो मैंने कहा यार वाई नॉट, अपने मुल्क में क्यों नहीं हम बना सकते। सो मैंने एक जस्ट एक स्टेप लिया है आज, और आप कह रहे हैं कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी एक बताया था कि बेसिकली मेरा ये आप कह रहे हैं कि चैनल गेमिंग का था, और मैंने इस पर लाइक कोई 200-250-300 वीडियोज़ बनाई होंगी गेमिंग की, बट मेरा गेमिंग की तरफ से थोड़ा सा मैंने इसलिए हट गया। मैंने कहा यार नहीं, थोड़ा सा ना अपनी एक आप कह रहे हैं कि एक अपनी एक अलग दुनिया थोड़ी सी बनाते हैं, और अपनी एक ब्लॉगिंग साइट को भी शूट करते हैं, और उस ब्लॉगिंग साइट में मैं ये भी दिखाऊंगा कि पाकिस्तान में कितनी वर्सटैलिटी है, और पाकिस्तान में कितने स्ट्रीट फूड्स ऐसे ऐसे जो हम डिस्कवर कर सकते हैं, जो हम दुनिया को दिखा सकते हैं। और ये मैं अभी पहुँचा हूँ ठोकर पे, और ठोकर पे आज दिन तक हालात नहीं बदले, ऑरेंज लाइन ट्रेन भी बन गई, आप देख सकते हैं सब कुछ बन गई, लेकिन क्रॉसिंग्स हो रही हैं, और ये चिंची खड़े हैं, और ये बस थोड़ा सा प्रॉब्लम है हमारे मुल्क में कि मतलब चीज़ें समझने में थोड़ी देर कर देते हैं हम लोग। और आप कह लेंगे जो हमारे जो रोड मैप्स प्लान्स होते हैं ना, वो अकॉर्डिंग टू रोड्स नहीं होते,
और उसमें लोगों का ये देखें, आप ये सड़क क्रॉस कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन सारा कुछ चल रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे मुल्क में ना हर चीज़ बन जाती है, लेकिन वो अकॉर्डिंग टू रोड मैप नहीं होती। उसमें ना तो सेफ्टी होती है इंसानों की, और वो सिर्फ एक प्लान होता है कि यहाँ से रोड बना दो, यहाँ से पुल बना दो, यहाँ से ऑरेंज ट्रेन बना दो, लेकिन वो ऑरेंज ट्रेन में करना क्या है, किसने गुजरना कहाँ से है, उसका कोई पता नहीं, कोई आता नहीं, क्योंकि निर्मल का मारा है। लेकिन ये है कि थोड़ी सी तरतीब होनी चाहिए, थोड़े से लाइक रोड साइड्स क्या होनी चाहिए, वॉकिंग पाथ्स क्या होते हैं, ये पता होना चाहिए आवाम को। उस बारे में हम लोग ज़रा काफ़ी पीछे रह चुके हैं। तो मैं ये बरकत मार्केट अभी पहुँचा हूँ, और मैं इसकी बात कर रहा था कि यहाँ पर जो ऑप्शन है वो बेसिकली अब क्लोज़ हो गया हुआ है, और वो शिफ्ट हो चुका हुआ है कलमा चौक अस्करी फाइव के बिल्कुल पास, वहाँ पे बिल्कुल ऑपोजिट पे फैल्कन कॉम्प्लेक्स है, तो वो वहाँ पे शिफ्ट हो गया हुआ है। तो ये चीज़ मैंने बतानी थी आपको। दूसरा ये कि अभी मैंने एक्चुअली डिफेंस जाना था, बट डिफेंस जाने के लिए एक चीज़ आप लोग जहन में रखें, क्योंकि कैवलरी ग्राउंड भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, और उसके बाद एक्चुअली मैंने जाना था फेज़ सिक्स, और फेज़ सिक्स में नवाज शरीफ इंटरचेंज पर भी अंडर पास बन रहा है। तो ये चीज़ें जहन में रखिएगा, और आप लोग अपोजिट डायरेक्शंस लीजिएगा, क्योंकि अगर आप कैंट से अगर आए ना टुवर्ड्स आर्य बाज़ार से अगर आप निकले एच ब्लॉक में, तो वो काफ़ी कन्वीनियंट रहता है एज़ कम्पेयर टू दिस। और ये ओके जी, ये हम लोग फाल्कन में एंटर हो चुके हैं, और अब ये देखिए ये इसके फाइव है, और यहाँ पे सी बी डी का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमारा सी बी डी बन रहा है कलमा चौक में, और साथ ही आगे क्लब है। हाँ जी, तो केक हमें मिल गया है, और ये है खूबसूरत मंजर लाहौर की एक शाम को। लाहौर की एक शाम का, लाहौर की कनाल रोड का, और ये सनसेट का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है ना। मरियम वाली साइड से हो, मरियम इधर राइट।